फ्रॉड क्रिप्टोकरेंसी ठगी मामले के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का एक और घोटाला पुलिस ने उजागर किया है। कंपनी ने QFX कंपनी ने जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से धनराशि ली है और उन्हें हाई रिटर्न के सपने भी दिखाए। इसे पूरे मामले में जो है निवेशकों की 210 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई थी। वित्तीय गड़बड़ी पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सौम्या ने बताया है कि एक आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से दबोचा गया है। चंडीगढ़ के अलावा ये नेटवर्क देश के 5 राज्यों में फैला था। हिमाचल, पंजाब, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ में कंपनी का ये नेटवर्क था जिससे सैकड़ों लोगों का पैसा जिसमें लगा हुआ था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों पर भी काम कर रही है। एक कंपनी जिसका नाम QFX है जो कि फॉरेक्स में ट्रेड करती है फ्रॉडुलेंटली, उसमें करीब 210 करोड़ का जो कैपिटल है जो लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया, उसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बंगलिंग हुई है जिसकी वजह से हमने यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात सोची और हमें लगा कि जनता को भी, जनसाधारण को भी हम जागरूक करें कि वो इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करने वाली जो कंपनीज़ हैं उनमें अपने पैसे को ना लगाएं।